ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू टाइगर फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, इस वीडियो में जो है गाइस कि हमारा जो कलर करेक्शन वाला जो पार्ट है, जैसे गाइस मैं हमेशा की तरह आपको कहता हूँ कि यार कलर करेक्शन वाला पार्ट आप यार थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि गाइस जब आप एडिट करते हो फोटो, जब आप मेरे को टैग करते हो, तो गाइस उसमें जो होता है यार आपका कलर करेक्शन वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी अलग लगता है, तो यार उसकी वजह से जो है फोटो थोड़ी ख़राब सी लगती है। तो गाइस आप यार कलर करेक्शन वाला पार्ट बिल्कुल पूरा देखे करो, ताकि यार मतलब जब तक आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीखोगे गाइस, जब तक आप अपनी फोटो को एकदम अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे। तो बाकी गाइस मतलब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को पहले अपने इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना है आपको अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आपको कुछ स्टेप्स अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है, एंड टाइगर के पास यहाँ पे ऐसे रख के। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर देना है इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको देखना है कि आपका मॉडल अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है। देन गाइज जाना आपको ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना आपको शेडो का पीएनजी। एंड गाइस शेडो का पीएनजी ऐड करने के बाद आपको गाइस कुछ स्टेप से आपको अपने पैरों के नीचे लगाना है इसको। अदरवाइज अगर आपको शेडो बनाना आता है, मतलब कि अगर आपको कुछ अलग प्रोफेशनल तरीके से और कुछ और मतलब शेडो के लिए अलग से कुछ और आता है, तब उस तरीके से शेडो बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैंने आपके लिए पीएनजी बना रखा है, तो आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं इसको फटाफट लगाता हूं एंड आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं फिर। सो गाइज हमारी जो शेडो वगैरह वो भी लग चुकी है, तो अब क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे अपनी फोटो को जो है यहाँ पे हम सिंपली डन कर सकते हैं, तो अभी अब हम डन करते हैं। अब गाइज आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से ऐड करना आपको एक पार्टिकल का पीएनजी, और सॉरी पार्टिकल नहीं गाइज विगनेट का पीएनजी, क्योंकि गाइज ये विगनेट जो है हमारी फोटो में एक अलग ही लुक लगेगा आएगी इस फोटो से, इस पीएनजी से। तो देखिए आप देख सकते हैं गाइज हमारी दो फोटो पे इतना अच्छा लुक आ रहा है इस पीएनजी से, तो आपको उसको भी ऐड करना है, एंड उसके बाद आपको करना है डन। अब गाइज आपको एक पार्टिकल का पीएनजी ऐड करना है, तो चलते हैं हम ऐसे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से गाइज ऐड करते हैं उस पार्टिकल के पीएनजी को, एंड यहाँ पे हम उसको ऐड कर लेते हैं। एंड पहले क्या करना है, आपको उसका जाकर ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड इसको करना है स्क्रीन, देन गाइस आपको करना है फुल स्क्रीन, अब इसको मतलब पीएनजी को। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे इरेजर टूल में, तो मतलब आप चाहो तो उसके ऊपर से यार कम भी रख सकते हो, ठीक है, मतलब फुल मत रखना, फुल रखोगे तो गाइस थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा कम रखना। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाकर आपको फेस वाले एरिया से वहाँ से इरेज कर लेना है, एंड देन सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड बाकी आपको अभी यहाँ पर डन करते हैं, एंड बाकी गाइस जो हमारा रियल काम है वो आता है अब हमारा, तो अभी हम फोटो को सेव करते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो अब लाइट रूम ऐप में हमने फोटो ऐड कर रखा है पहले से, तो आपको क्या करना है, आपको जाना इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसका कंट्रास्ट कम करना है थोड़ा सा, एंड इसका जो हाईलाइट है इसको थोड़ा कम करना है, एंड मिलेगा आपको यहाँ पे शेडो उसको बढ़ाना है, एंड उसके बाद यहाँ पे मिलेगा व्हाइट आपको उसको थोड़ा कम करना है, एंड मिलेगा यहाँ पे ब्लैक आपको उसको थोड़ा बढ़ाना है, एंड जाना नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो की वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में थोड़ा सा टेम्परेचर है जो उसको कम करना है, एंड जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको सैचुरेशन थोड़ा कम करना है, ल्यूमिनस को आपको बढ़ाना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना येलो कलर में, आपको इसका ह्यू चेंज करना है, यहाँ पे रखना है इसको ऑरेंज टोन की तरफ, एंड इसको इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना करने के बाद आपको ये करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में, एंड डार्क ब्लू में जाने के बाद आप चाहो तो अपने मतलब आपके पैंट वेंट का जो कलर हो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो आप इसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो, जैसे कि गाइस मैंने कर दिया है, एंड आपको कर देना है डन। फिर जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है, फोटो में जो हल्का सा विगनेट डालना है, एंड विगनेट डालना है, एंड नीचे स्क्रॉल करना है आपको हमें मिलेगा ग्रेन माउंट, ठीक है, तो आपको उसको बढ़ाना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर करना है, आपको जाना ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में थोड़ा सा नोड रिडक्शन डालना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस जैसे कि आप फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गाइस मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक लिख गुड बाय।